नमस्कार दोस्तों, ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ऐसा ही सभी को मालूम होगा कि आज 16 मार्च 2020 को हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स। तो उसी विषय में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का इंग्लिश का सेट डी का ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है फ्रेंड्स, ही सेड आई शेल गो देयर। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ही सेड दैट ही वुड गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक। तो फ्रेंड्स का आंसर जो होगा वो होगा शी आस्क्ड कमला इफ़ शी लाइक्ड दैट बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्रीस्ट सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा द प्रीस्ट सेड दैट ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस, जो कि राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्लाई द आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है फ्रेंड्स, इट वॉज डैश यूनिक साइट। इसमें जो करेक्ट आर्टिकल आएगा फ्रेंड्स वो आएगा ए, इट वॉज अ यूनिक साइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई रीड डैश गीता एवरी डे। इसमें जो करेक्ट आर्टिकल आएगा फ्रेंड्स वो आएगा द, आई रीड द गीता एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज स्ट्रक बाई डैश एरो। तो फ्रेंड्स में करेक्ट आर्टिकल आएगा वो आएगा एन, ही वॉज स्ट्रक बाई एन एरो, जो कि राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, शी डैश स्विम वेरी वेल। इसमें जो मॉडल्स दे रखे हैं फ्रेंड्स वो हैं कैन और शेल। तो इसमें करेक्ट मॉडल यूज होएगा फ्रेंड्स वो होएगा कैन, शी कैन स्विम वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू डैश वर्क हार्ड दिस ईयर। इसमें जो मॉडल्स दे रखे हैं फ्रेंड्स हमें वो है मस्ट और वुड। तो इसमें करेक्ट मॉडल जो यूज़ होएगा फ्रेंड्स वो होएगा मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, डैश आई कम इन सर। इसमें जो मॉडल्स दे रखे हैं फ्रेंड्स हमें वो है मे और विल। तो इसमें करेक्ट मॉडल यूज होएगा फ्रेंड्स होएगा मे, मे आई कम इन सर, ये हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द वॉइस। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है फ्रेंड्स, वेयर डिड दे सी यू। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा वेयर वर यू सीन बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुड यू सॉल्व दिस सम। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा कुड दिस सम बी सॉल्व बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, समन द पीएन। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा लेट द पीएन बी समंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है ही डैश बैक येट। इसमें जवाब दे रखी है फ्रेंड्स हमें वो है नॉट कम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जवाब की करेक्ट फॉर्म यूज़ होगी वो होगी हैज़ नॉट कम, ही हैज़ नॉट कम बैक येट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट सैटरडे आई डैश एट होम। इसमें जवाब दे रखी है फ्रेंड्स वो दे रखी है स्टे। तो स्टे की जो करेक्ट फॉर्म आप यहाँ पे यूज़ होगी फ्रेंड्स वो होगी स्टेड, लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आइस डैश अबव 0°C। इसमें जवाब दे रखी है फ्रेंड्स हमें वो है मेल्ट। तो मेल्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ होगी वो होगी मेल्ट्स, आइस मेल्ट्स अबव 0°C, ये हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में हमने हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश पेपर सेट डी का ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व किया है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।